इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने MI के स्मार्टफोन में मींस Redmi के स्मार्टफोन में कैसे किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, कोई भी ऐप कैसे हाइड कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन सर्च कर लेना है कि आपके स्मार्टफोन में ये कहाँ पे है, और उसके बाद इसे ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरह का लेआउट खुल करके आएगा। तो इसे नीचे की ओर स्लाइड करना है। स्लाइड करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ऐप लॉक का एक ऑप्शन दिख रहा है और इसके सामने एक एरो है, तो आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप ऐप लॉक पहले से यूज कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर पैटर्न सेट कर चुके होंगे। अगर आप ऐप लॉक अभी नहीं यूज कर रहे हैं तभी आपको ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे पैटर्न सेट करने का। तो यहाँ पे आप एक नया पैटर्न सेट कर लीजिए और उसी पैटर्न को दोबारा यहाँ पे डालना है। डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपने MI अकाउंट को भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड पे क्लिक कर दीजिए तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट की सुविधा होगी तभी ये ऑप्शन आएगा फिंगरप्रिंट ऑन करने का। तो आप नॉर्मली फिंगरप्रिंट को फिंगरप्रिंट सेंसर पे लगाइए तो ये हट जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों ये देखिए ऐप लॉक ऑन हो गया। आप किसी भी एप्लीकेशन में लॉक लगा सकते हैं। तो हम लोगों को तो एप्लीकेशन हाइड करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे सेटिंग है राइट अपर कॉर्नर में, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आ गए, जिसमें कि सबसे लास्ट ऑप्शन है हिडन ऐप्स का। आपको उसके सामने इस बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा और उसके नीचे दो ऑप्शन और आ जाएगा दोस्तों, जिसमें कि एक ऑप्शन है मैनेज हिडन ऐप्स। तो आपको मैनेज हिडन ऐप्स पे क्लिक कर देना है। तो आपके स्मार्टफोन में जितना भी एप्लीकेशन है वो सारा एप्लीकेशन खुल करके आ जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद आपको जो भी एप्लीकेशन हाइड करना है उस एप्लीकेशन के सामने वाले इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन हाइड हो चुका है। अब आप अपने स्मार्टफोन में कहीं भी इस एप्लीकेशन को खोजोगे तो आपको ये एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग उसे यूज कैसे करेंगे, अभी तो वो हाइड हो गया। तो दोस्तों अगर आपको लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं देखिए इस फेसबुक जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसे हाइड करके दिखाता हूँ। फिर से वहीं पे जाते हैं और इसमें सर्च करते हैं कि फेसबुक कहाँ है। ये देखिए दोस्तों ये फेसबुक है, इसके सामने वाले इस बटन पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आपको होम में आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फेसबुक था जो कि हाइड हो चुका है। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग अनहाइड कैसे करें किसी भी एप्लीकेशन को, या फिर अगर फेसबुक हाइड है तो हम लोग फेसबुक कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों अनहाइड करने के लिए आपको अपने स्क्रीन पे जूम इन करना है इस तरह से। जैसे ही आप जूम इन करोगे तो आपको इस तरह का लेआउट खुल करके आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों वो पैटर्न फिलअप करना है जो पैटर्न आप वहाँ पे सेट किए थे, नहीं तो अगर आपके स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट की सुविधा है तो आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो हम लोग वो पैटर्न ही डाल देते हैं। देखिए दोस्तों हम लोगों ने दो एप्लीकेशन हाइड किया था, एक एवॉफ को और एक फेसबुक को, ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब अगर हम लोगों को फेसबुक यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करेंगे और जिस तरह से नॉर्मल यूज करते थे उस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोगों को एप्लीकेशन अनहाइड करना है तो पहला ऑप्शन तो यहीं से है दोस्तों कि आप मैनेज हिडन ऐप्स पे क्लिक कीजिए, तो आपको वहीं पे भेज दिया जाएगा जहां पे आप सिक्योरिटी पे क्लिक करके और फिर ऐप लॉक में गए थे और उसके बाद आप सेटिंग खोल करके हिडन मैनेज हिडन ऐप्स में आए थे। तो डायरेक्ट आप यहां पे आ सकते हैं और जो एप्लीकेशन हाइड है उसके सामने वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये फिर से व्हाइट कलर का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका वो एप्लीकेशन अनहाइड हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों मैं फेसबुक को भी अनहाइड कर देता हूँ और फिर होम में आता हूँ तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है दोस्तों। ये फेसबुक आपको अनहाइड करने के बाद यहाँ पे दिखाता है, वहाँ पे नहीं आता है दोस्तों जहाँ पे पहले होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो और फिर अनहाइड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो दोस्तों तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि हम अपने अगले वीडियो में सुधार ला सकें।